ప్రధాని మోడీ తనకు మంత్రి పదవి ఇచ్చినందుకు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తారు హర్దీప్ సింగ్ పూరి. తాను కేవలం బ్యూరోక్రాట్నే కాదని ఇందులో ఎంతో అనుభవం ఉందన్నారు ఆయన. తన శాఖను సమర్థవంతంగా నడిపిస్తారన్నారు హర్దీప్ సింగ్ పూరి. ఈశ్వర్ కి శపథ లేతా హూ కి మే విధి ద్వారా స్థాపిత్ భారత్ కే సంవిధాన్ కే ప్రతి సచ్చి శ్రద్ధా ఔర్ నిష్ఠా రఖూంగా. I, Hardeep Singh Puri, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of State for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Hardeep Singh Puri, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be. ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ తన కేబినెట్ పునర్వ్యవస్థీకరించారు. 9 మందిని కొత్తగా మంత్రి మండలిలో చేర్చుకోగా 4 ప్రమోషన్ ఇస్తూ కేబినెట్ హోదా అప్పగించారు. ప్రమోషన్ పొందిన వారిలో ధర్మేంద్ర సింగ్ ప్రధాన్, పీయూష్ గోయల్, నిర్మలా సీతారామన్, ముక్తార్ అబ్బాస్ నఖ్వీ ఉన్నారు. పనితీరు ఆధారంగా వీరికి ప్రమోషన్ ఇచ్చారు. కేంద్ర కేబినెట్లో 4 ప్రమోషన్, 9 కొత్తగా బెర్తలు దక్కాయి. సుదీర్ఘ మంత్రాల తర్వాత మోడీ షా ద్వయం వీరిని ఫైనల్ చేసింది. నేతల పనితీరు, రాష్ట్రాల అసెంబ్లీ ఎన్నికలు, మిత్రపక్షాల విజ్ఞప్తులు, ఆర్ఎస్ఎస్ సూచనలు అన్నింటినీ లెక్కలేసుకున్న అధిష్టానం 9 కొత్తగా టీంలోకి తీసుకుంది. మే డాక్టర్ వీరేంద్ర కుమార్ ఈశ్వర్ కి శపథ లేతా హూ కి మే విధి ద్వారా స్థాపిత్ భారత్ కే సంవిధాన్ కే ప్రతి సచ్చి శ్రద్ధ ఔర్ నిష్ఠా రఖూంగా. मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा. मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा, तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा. मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय, जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा. मैं अनंत कुमार हेगड़े ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा. मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा. मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा, तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा. मैं अनंत कुमार हेगड़े ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा. देखिए, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने मंत्रिपरिषद में परिवर्तन किए हैं, उससे यह स्पष्ट है कि उन्होंने जवाब देवी के एक नए स्तर स्थापित किए हैं, अकाउंटेबिलिटी के एक नए स्टैंडर्ड सेट किए हैं, और जो भी मंत्री रहेंगे और जो भी विभाग सरकार में काम कर रहे हैं उनके ऊपर उनकी नज़र रहती है, और इसलिए कौन अच्छा काम कहाँ कर सकता है ये उन्होंने आधार बनाया है. कई नए लोगों को सरकार में लाए हैं जिन लोगों का बहुत अच्छा प्रशासनिक अनुभव था. ये वो लोग हैं जिन्होंने सेवानिवृत्त होने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी, और मुझे पूरा विश्वास है कि उनका जो टेन्योर होगा वो अपने आप में बहुत सफल होगा. जहाँ तक रक्षा विभाग का
प्रश्न है। मेरे साथ जिन अधिकारियों ने सहयोग किया और सेनाओं ने के सभी विंग्स ने सहयोग किया, मैं उनका आभारी हूँ। पिछले 5-6 महीने जो मुझे इस बार उनके साथ काम करने का मौका मिला, कई निर्णय हम लोग ले पाए और मुझे पूरा विश्वास है कि श्रीमती निर्मला सीतारमण जो अपनी मेहनत और काबिलियत से इस स्तर पर आई हैं कि इस देश की वो रक्षा मंत्री बनी हैं, वो इसी मार्ग में आगे बढ़ेंगी। जहाँ तक इस देश का सवाल है, ये पहली बार है इस देश के इतिहास में कि दो महिलाएं कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में हैं और दोनों अपनी काबिलियत के आधार पर हैं। सुषमा जी पहले से हैं और अब निर्मला जी भी उसमें आएंगी। ये इस देश के लिए भी बहुत ही सुखद अवसर है। जहाँ तक भारत और जापान की बातचीत का, सिक्योरिटी डायलॉग का सवाल है, वो कल मुझे वहाँ पहुँचना है और क्योंकि लास्ट मिनट पर परिवर्तन करना संभव नहीं था तो प्रधानमंत्री जी की निर्देशानुसार ये तय किया कि मैं उसको कंटिन्यू करूँगा और जैसे ही 2 दिन बाद वो डायलॉग समाप्त होगा तो निर्मला जी अपने विभाग का काम उसी वक्त संभालेंगे। जिन लोगों को पार्टी ने भेजा है, जिन लोगों को पार्टी ने भेजा है, उनके लिए आप क्या निर्मला जी सीनियर वो पार्टी को नहीं थी लेकिन फिर भी उनको जो है पार्टी में इसमें ये जिम्मेदारी दी गई है तो सीसीएस में अब वो कैसे जो है जिम्मेदारी और आप जो है किस तरह से उसमें रहेंगे? नहीं, मुझे लगता है कि जैसा मैंने कहा कि एक कॉम्पिटेंस के आधार पर कौन कौन सी जिम्मेवारी अच्छी निभा सकता है, उस आधार पर प्रधानमंत्री जी ने अपना निर्णय किया है। सर, लेकिन जिन लोगों को हटाया गया है उनको परफॉर्मेंस के आधार पर? मुझे लगता है कि पार्टी में सभी लोग सरकार में नहीं रह सकते, कुछ सरकार से बाहर पार्टी का काम भी होता है, वो निश्चित रूप से अपने क्षेत्रों में भी काम करेंगे और पार्टी का काम आपको लगता है वो नॉन परफॉर्मेंस है? नहीं, मेरे लिए देखिए, यूपीए ये कैसा कह सकती है, उनके तो प्रधानमंत्री उस श्रेणी में से आए थे। सर, लेकिन जो नए लोग लाए आपको लगता है कि वो डिमोनेटाइजेशन वुड लाइक टू कमेंट सर?